तो यहाँ से हमने क्लिक किया और अब आ गए हम फोटोशॉप के इंटरफेस के ऊपर। अब सबसे पहले हम देख रहे हैं कि इसका वर्क स्पेस है, जिसको हमने कल देखा था लास्ट टाइम में, कि ये इसका टूल बॉक्स है जिसको मैंने आपको बताया था, इस तरह से डीसर्वेट कर सकते हैं। और ये इसके पैलेट्स हैं, कलर पैलेट, स्वेचेस पैलेट्स और लेयर पैलेट। सबसे ज़्यादा हमारा काम अभी पड़ने वाला है इन दो चीज़ों पर, जो लेयर पैलेट और टूल बॉक्स पर। और तीसरा ये इसका ऑप्शन बार है, जिस टूल्स को हम सेलेक्ट करते जाएंगे उसके हिसाब से यहाँ पे उसके ऑप्शंस आते चले जाएंगे। अभी बाकी चीज़ों में इतना काम नहीं हो रहा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इनको भी काम होगा। तो मैंने आपको बताया था कि विंडोज़ के मेन्यू में जाके वर्क स्पेस पर क्लिक करके जैसे ही रीसेट एसेंशियल्स करेंगे तो ये दोबारा से एडजस्ट हो जाएगा और ये आपको इस तरह से नजर आएगा। आप इसको अपने हिसाब से मोर कन्वीनियंट भी कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपको टाइमलाइन नहीं चाहिए तो राइट बटन दबा के इसको यहाँ से क्लोज कर दीजिए। अगर आपको फिलहाल चैनल्स नहीं चाहिए तो राइट बटन दबा के क्लोज कर दीजिए। यहाँ से पाथ नहीं चाहिए तो क्लोज कर दीजिए। एडजस्टमेंट स्टाइल्स नहीं चाहिए तो इनको इस तरह से एक एक करके क्लोज कर सकते हैं। जो चीज़ फिर उधर रिक्वायर्ड नहीं है उसको आप इस तरह से यूज़ कर सके क्लोज कर सकते हैं, और फिर इसको अलग से निकाल के भी अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। फोटोशॉप बहुत ज़्यादा यूज़ होता है लेयर्स कॉन्सेप्ट के हवाले से। अक्सर लोग इसी में ऐसे ही उलझे रहते हैं कि इसके लेयर्स को कैसे यूज़ किया जाता है, कैसे एडजस्ट किया जाता है इसके इफेक्ट्स वगैरह में। तो लास्ट टाइम हमने देखा था इसके अंदर किस तरह से एक नई फाइल ली थी, तो उसको थोड़ा सा और देखते हैं कि अगर न्यू फाइल अगर हमें लेनी होती है तो फाइल में जाके जैसे यहाँ से न्यू पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने ये ऑप्शन आ जाता है न्यू फाइल का। तो यहाँ पर हमसे कहता है कि मेजरमेंट किस तरह से करनी है आपने और किस साइज़ का आपको ऑब्जेक्ट चाहिए। यहाँ पे डिसाइड ये करना होता है कि आपको जो ऑब्जेक्ट चाहिए वो स्क्रीन बेस हो या प्रिंट वाला हो। मतलब स्क्रीन बेस का मतलब ये है कि अगर आप उसको स्क्रीन पे कहीं दिखाएंगे, मतलब स्मार्ट मोबाइल की स्क्रीन पे दिखाएंगे, वेबसाइट्स पे दिखाएंगे, टीवी स्क्रीन पे दिखाएंगे, कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाएंगे, तो उसको आप हमेशा पिक्सल में मेजर करेंगे। और अगर इसके अलावा अगर आप यहाँ देखते हैं कि अगर उसका प्रिंट आउट वगैरह लेना है तो US पेपर, जैसे कि लेटर पेपर, लीगल पेपर, टेबलॉइड पेपर वगैरह के हवाले से होता है। और इसके अलावा अगर फोटो उसके कोई बनाने हैं तो लैंडस्केप का 2x3 इंच, 4x6 इंच, 5x7 इंच, 8x7 इंच, और ये पोर्ट्रेट साइज इसके यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। तो अभी हम इसके अंदर ये देख रहे हैं कि लास्ट टाइम हमने फाइल वगैरह बनाई थी, इसके अंदर सेव वगैरह किया था। तो अगर हम यहाँ से कोई भी एक साइज़ लेते हैं और अगर हम वेब में जाते हैं तो यहाँ पे भी हमें डिफरेंट किस्म के साइज़ मिल जाते हैं, ये पिक्सल बेस होते हैं। तो यहाँ से अगर हम कोई एक साइज़ लेके इसको जैसे क्लिक करके ओके करते हैं तो ये हमारे सामने एक नई फाइल लेके खुल जाता है और ये कुछ इस तरह से नज़र आ रही है। फाइल को जाके अगर हम यहाँ से क्लोज करना चाहें तो क्लोज भी कर सकते हैं, और सेव करना चाहें तो पहले कुछ काम करना होगा। तो जब भी फर्स्ट टाइम एक फाइल लेके खुलेगा तो उसके साथ बैकग्राउंड लेयर आएगी और वो ऑलवेज लॉक होगी। तो उसको अनलॉक करने का क्या तरीका है, इस पर डबल क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो ये अनलॉक हो जाएगी। सिमिलरली अगर आप इसको सेव कर देते हैं, अब फाइल में जाके जैसे सेव पे तो आपसे बोलेगा कहाँ सेव करना है, तो यहाँ से डॉक्यूमेंट्स में गए, आपने क्लिक किया, अपना एक फोल्डर बना लें जिसके अंदर आपने इसको सेव करना है। सपोज भी हमने यहाँ पे एक ब्लॉसम्स के नाम से एक फोल्डर बनाया हुआ, उसको यहाँ के यहाँ पे ले आके सेव करें क्लास 03 के नाम से, तो यहाँ पर आपकी फाइल क्लास 03 के नाम से इजीली सेव हो जाएगी। और इसमें हम ये देख रहे हैं क्लास 03, और ये ओके करा हमने, ये हमारी फाइल सेव हो गई जिसकी टाइप है PSD। PSD मतलब फोटोशॉप डॉक्यूमेंट, और ये हमारी फाइल इजीली सेव हो चुकी है। अब इसकी जो बाय डिफॉल्ट लेयर है वो यहाँ पर नज़र आ रही है। अब यहाँ पे जितनी भी लेयर्स आपको ऐड करानी है यहाँ से ऐड करा सकते हैं, मैंने बताया था। और जितनी लेयर्स को जो सबसे टॉप पर आ रही होगी वो सबसे ऊपर विजिबल हो रही होगी, और उसको अगर डिलीट करना चाहें तो यहाँ से क्लिक करके आप इजीली भी डिलीट भी कर सकते हैं। अच्छा, इसके बरक्स अगर आप यहाँ पर क्लिक करके कोई पहले से फोटो ओपन करना चाहें, लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ देखूँ डॉक्यूमेंट्स के अंदर, और डॉक्यूमेंट्स में जाने के बाद यहाँ क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं अपने एक लेटेस्ट के फोल्डर में चले जाता हूँ, यहाँ पर आपको देखेंगे काफ़ी सारे इमेजेस मुझे नज़र आ रहे हैं। हमेशा याद रखें, इमेजेस या तो आपको मिलेंगे PNG, JPG, GIF, TIFF और इन फाइल्स के अंदर, या आजकल GIF, IF फाइल के अंदर मिल रहे होते हैं। तो अगर किसी इमेज को आपने ओपन करना है तो सिंपली कैसे ओपन करना है, फोटोशॉप में फाइल में जाना है, क्लिक करना है, ओपन पे क्लिक करना है और उसी फोल्डर में चले जाना है जिस फोल्डर में आपकी फाइल को सेव किया गया है। तो मैं यहाँ से डॉक्यूमेंट्स में चला गया और उसी फोल्डर में चला गया, तो ये देखें डिफरेंट किस्म के मुझे यहाँ पे ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। अब इसमें से अगर इस फाइल को मैं सिलेक्ट करके ओपन करूँ तो इस फाइल के ऊपर देखें, ये फाइल है और ये इसका बैकग्राउंड है। अच्छा, अब ये जो इसका बैकग्राउंड है और ये इमेज है, मुझे इसमें से इसको जुदा करना है। तो यहाँ पर डिफरेंट टेक्निक्स हो सकती हैं इसको काम करने की, इसको सिलेक्ट करके इसको इसमें से अलग करने की डिफरेंट टेक्निक्स ये हो सकती हैं कि मिसाल के तौर पर ये हमारा टारगेट ऑब्जेक्ट है। अगर मैं फोटोशॉप का ये वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, क्या नाम है इसका, फोटोशॉप का वर्जन मालूम करने का, अबाउट फोटोशॉप, और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो CS6 वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। तो इसको यूज़ करते हुए मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक टूल है 2 सेकंड दबा के रखेंगे जिसका नाम है क्विक सिलेक्शन टूल। यहाँ पे दो टूल है, मैजिक वन टूल भी है, क्विक सिलेक्शन टूल भी है। जैसे ही मैं यहाँ से क्विक सिलेक्शन टूल लूँगा तो मेरे सामने यहाँ पर क्लिक करने पर यहाँ पर आपको नजर आएंगे बहुत सारे ऑप्शन, जैसे ब्रश का साइज़ क्या होना चाहिए, हार्डनेस क्या होनी चाहिए, स्पेसिंग क्या होनी चाहिए, और इसके अलावा यहाँ से इसका सिलेक्शन है एड सिलेक्शन और एक है सब्ट्रैक्ट सिलेक्शन। अगर हम एड सिलेक्शन पर बात करें तो ये सिलेक्ट करता चला जाएगा। जैसे मैंने एड सिलेक्शन पर रखूँगा तो आप नोट करेंगे कि यहाँ पर इसके यहाँ पे प्लस का साइन आ रहा है, ठीक है, इस ब्रश के साइज़ के अंदर। और अगर मैं यहाँ से सब्ट्रैक्ट सिलेक्शन लूँगा तो यहाँ पर देखिए माइनस का साइन आ रहा है। तो मैंने एड सिलेक्शन लिया और उसको इस वाले हिस्से को सिलेक्ट करना शुरू किया जो कि इसका
बैकग्राउंड है और उसको सिलेक्ट कर लिया मैंने इस तरीके से, तो ये इसका बैकग्राउंड सिलेक्ट हो चुका। अब करने के बाद बैकग्राउंड जब सिलेक्ट हो गया तो मैंने इसको डिलीट का बटन दबाया कीबोर्ड से, तो ये डिलीट भी हो गया। अब इसके बाद क्लिक किया मैंने यहाँ से न्यू लेयर दबाया और न्यू लेयर ऐड हो गया। इस न्यू लेयर पे मैंने यहाँ से एक टूल लिया जिसका नाम है पैंट बकेट टूल, क्लिक करके मैंने यहाँ से इसके ऊपर जो है ना एक अदद जो है यहाँ से इसका कलर जो है थोड़ा सा चेंज किया, ओके कर दिया। दोबारा से मैंने फोरग्राउंड कलर पे क्लिक किया और यहाँ से क्लिक करके कलर लिया और कलर सेलेक्टर से कलर बनाया, ओके कर दिया, यहाँ पे क्लिक किया। तो ये कलर देखें इसके ऊपर फिल नहीं हो पा रहा है। अच्छा, अब ये क्यों नहीं फिल हो पा रहा है, ये हिस्सा अभी तक सिलेक्टेड है, तो मैं सिलेक्ट में जाके इसको डीसेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करके दोबारा से क्लिक करता हूँ, ये कलर फिल हो गया। अब इसको उठा के मैंने इसके नीचे किया तो ये देखें इसका पूरा बैकग्राउंड चेंज हो गया और अब जो बैकग्राउंड था वो इसके साथ रिप्लेस हो गया। अब मैं ये करने वाला हूँ, इस पर क्लिक करूंगा और यहाँ से क्लिक करके जो भी बैकग्राउंड मुझे रिक्वायर्ड है मैं जैसे जैसे चेंज करता जाऊंगा तो वहां पर उसके इम्पैक्ट मुझे देखने को मिलेंगे। क्लिक किया मैंने यहाँ पे, उस पर क्लिक किया तो ये देखें फिर इसका बैकग्राउंड चेंज हो गया। फिर से मैंने यहाँ पे इस पर क्लिक किया और यहाँ से ले जाके मैंने इसको एक दूसरा बैकग्राउंड देना है सपोज ये वाला, और क्लिक करके ओके किया तो ये देखिए इसका फिर से बैकग्राउंड चेंज हो गया। इस तरह से मैं किसी भी लेयर को सिलेक्ट करके उस पर से उस ऑब्जेक्ट का बैकग्राउंड रिमूव करके और उसका बैकग्राउंड चेंज कर सकता हूँ। अब आते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट के ऊपर। कंट्रोल ओ किया, सिलेक्ट किया और यहाँ से जाके मैंने अब एक दूसरा इमेज सेलेक्ट किया। लेट सपोज अब ये वाला इमेज था जो उससे थोड़ा सा थोड़ा मुश्किल है और ये उसके अंदर जो बैकग्राउंड है वो मल्टीपल कलर्स का है। इसमें मैं इसका बैकग्राउंड चेंज करना चाहता हूँ, क्या करूँगा? सबसे पहले ये पिक्चर जब भी मैं ऑन करूँगा अपने पास फोटोशॉप में तो ये लॉक होगी, इस पर डबल क्लिक करके ओके करेंगे ये अनलॉक हो जाएगी। इस पर यहाँ से क्लिक करके यहाँ से क्विक सिलेक्शन टूल लेंगे और फिर से मुझे अपना सिलेक्शन ऐड में रखना है और ब्रश का साइज यहाँ से सेट करना है। अच्छा, ब्रश के साइज को कंट्रोल करने की दो शॉर्ट कीज हैं जो फोटोशॉप पे यूज कर सकते हैं आप, और वो ये वाले दो बटन्स हैं, इंक्रीज ब्रश साइज और डिक्रीज ब्रश साइज, स्क्वायर ब्रैकेट्स जो है ठीक है। इनको कैसे यूज करना है, अगर ब्रश के साइज को थोड़ा इंक्रीज करना है तो स्क्वायर ब्रैकेट को दबाना है एक साइड वाले पे, और डिक्रीज करना है तो बराबर वाले को दबाना है। तो यहाँ से क्लिक करके आपने अब टारगेट को सिलेक्ट कर लिया, तो ये देखिए ये टारगेट आपका सिलेक्ट हो रहा है इजीली। तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करते जाएं अपने टारगेट को, आसानी से इस पे लगाते जाएं। अब यहाँ पे मैंने इसको अप्लाई कर दिया और ये मेरा टारगेट ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ पर एक और शॉर्ट की है कि अगर मुझे इसको जूम करना है और जूम आउट करना है तो कैसे करें। जूम और जूम आउट करने के लिए हमारे पास बकायदा जूम टूल है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से जूम का प्लस लेंगे मतलब जूम इन, और यहाँ से क्लिक करके जैसे इसको इन करेंगे तो ये जूम इन होता चला जाएगा ठीक है। देखें ये एक्स्ट्रा एरिया सिलेक्ट हो गया। और इसी तरीके से अगर आउट करना है तो ये माइनस वाला ऑप्शन लेंगे और इसको इस तरह से जूम आउट करेंगे तो दोबारा से जूम आउट होता चला जाएगा। अगर आप कोई और टूल सेलेक्ट किए हुए हैं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से भी क्विक सिलेक्शन टूल ही सेलेक्ट किया हुआ और मुझे अभी इसे जूम करने की जरूरत है किसी भी एरिया को, तो अगर जूम करने की जरूरत है तो ऑल्ट का बटन होल्ड करेंगे और होल्ड करने के बाद अपने माउस के स्क्रोलर को आगे की तरफ चलाएंगे, तो जैसे आप आगे की तरफ चलाएंगे वो एरिया जहाँ पे आपका माउस पॉइंटर होगा वो जूम इन हो जाएगा। उसके बाद अपना ऑल्टर छोड़ दें तो आपका टूल वही रहेगा और जूम हो चुका होगा। अब ये एक्स्ट्रा एरिया सेलेक्ट जो हो गया इसको कैसे डीसेलेक्ट करें, तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट सिलेक्शन लेंगे, जो एक्स्ट्रा एरिया सेलेक्ट हो गया उस पर इस तरह से लगाएंगे तो वो एरिया डीसेलेक्ट होना शुरू हो जाएगा। और फिर ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता करते करते उसका वही हिस्सा सेलेक्ट हो गया जो हमें रिक्वायर्ड था, बाकी हिस्सा इसका डीसेलेक्ट हो गया। अब यहाँ पर भी कुछ एक्स्ट्रा एरिया आ रहा है तो ब्रश साइज को मैंने थोड़ा सा कम कर लिया और कम करने के बाद इसको मैंने उसी पर रखा हुआ है सब्ट्रैक्ट सिलेक्शन पर और इसको थोड़ा सा कम कर दिया यहाँ पे इस तरीके से। और कम करना है ब्रश साइज को तो और कम कर लें और यहाँ से जूम करके इसको थोड़ा सा ब्रश साइज कम करें ताकि इसको और थोड़ा सा सब्ट्रैक्ट कर दे सिलेक्शन को, ताकि एक जैसे कलर होने की वजह से ये इसको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था और अब ये सही तरह प्रॉपरली इसके पिक्सल्स को सिलेक्ट कर सके। तो यहाँ पर देखिए ये भी सिलेक्ट हो गया। अगर इसके थोड़े से हेयर्स वगैरह वैसे तो सही है, लेकिन अगर आप कुछ ऐड करना है तो यहाँ से ऐड सिलेक्शन पे क्लिक करके आप इसको इस तरीके से ऐड कर लें ताकि वो जो एक्स्ट्रा जो रह गए थे हेयर्स वो इसमें ऐड हो जाए। बाकी चीज़ तो इसके ऊपर सही तरीके से कॉपी सिलेक्ट हुई हुई है। अब इस सूरत में आप क्या कर सकते हैं, देखिए अब आपको क्या है कि इसमें बैकग्राउंड बड़ा मल्टीपल कलर का था ठीक है, और इसमें ऑब्जेक्ट आपका अलग से था, उसको ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया। पिछले वाले केस में बैकग्राउंड एक जैसे कलर का था तो हमने उसको सेलेक्ट करके वहां से डिलीट कर दिया था। अब मैं चाह रहा हूँ कि इस पिक्चर को यहाँ से कॉपी करूँ, एक न्यू फाइल पे ले लूँ ठीक है। अब एक न्यू फाइल पे कैसे लेंगे, देखिए एडिट में जाके यहाँ से जाके सिलेक्टेड एरिया को कॉपी कर सकते हैं। अगर आप शॉर्ट की नोट करना चाहें तो कंट्रोल सी करके कॉपी कर सकते हैं। क्लिक करेंगे कंट्रोल सी पे, कॉपी हो गया मेमोरी के अंदर। अब जैसे ही कंट्रोल एन दबाएंगे फॉर न्यू, कंट्रोल एन नहीं दबा रहे तो फाइल में जाके न्यू ले लें, एक ही बात है। जैसे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसकी विड्थ और इसकी हाइट के एतबार से ये एक साइज यहाँ पे जनरेट कर देगा, मोस्ट प्रॉब्ली वो पिक्सल में होगा। रेजोल्यूशन आप अपनी सेट कर लें कि कितने पिक्सल पर इंच में चाहिए आपको और इसको क्लिक करके ओके कर दें, तो ये देखिए एक फाइल इसने आपको बना के दे दी। अब कंट्रोल वी करके जब आप पेस्ट करेंगे तो जो ऑब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किया था एज इट इज वो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करें, जो बैकग्राउंड लेयर है इस पर क्लिक करें और इसको डबल क्लिक करके अनलॉक करें, क्लिक करें और यहाँ से आप पैंट बकेट टूल ले लें और इसके लिए कोई अच्छा सा बैकग्राउंड चूज कर लें।
लेट सपोज हमने ये वाला बैकग्राउंड ले लिया और क्लिक करके इसके इसके लेयर पे क्लिक करें और अप्लाई कर दें, तो ये देखें ये इमेज इस तरह से इसमें से निकल कर आ गया। ठीक है, अच्छा इस तरह से अब आपने इस इमेज को सेव करना है, क्योंकि भाई वो तो ओरिजिनल इमेज था, इस इमेज को भी आपने सेव करना है। तो मैं पहले इसके और कोई दूसरा बैकग्राउंड कलर देख लेता हूँ। तो सपोज टू बी मैंने यहाँ पे क्लिक किया ओके किया और यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब इस इमेज को सेव करना है तो मेरे पास दो ऑप्शन है, एक तो मैं फोटोशॉप में सेव करूँ पीएसडी फाइल में, पीएसडी फाइल फोटोशॉप में ही खुलेगी, फोटोशॉप में सेव होगी, तो और दूसरा ऑप्शन है पीएनजी या जेपीजी में सेव करूँ। पीएनजी जेपीजी फाइल किसी भी क्रोम पर, वेब ब्राउजर पर और इसके अलावा फोटो व्यूअर वगैरह पर ओपन हो सकती है। तो अगर मुझे इसको पीएनजी या जेपीजी फाइल पर सेव करना है तो फाइल में जाके यहाँ से क्लिक करूंगा सेव एज के ऊपर और यहाँ से क्लिक करूंगा ऑप्शन लूंगा और यहाँ पे जाके मैं क्लिक करूंगा पीएनजी के ऊपर। क्लिक करने के बाद जहाँ मुझे इसको सेव करना है उस फोल्डर में जाऊंगा, यहाँ से क्लिक करके मैं लेटेस्ट पे चला जाता हूँ और इसी फोल्डर में जाके मैं इसको सेव कर देता हूँ फोर हिसाब से न्यू गर्ल बैकग्राउंड। ठीक है, और इसको मैंने सेव कर दिया, पीएनजी फाइल इसकी सेव हो जाएगी। लेकिन याद रहे पीएनजी फाइल जब सेव होती है तो सारी लेयर मर्ज होके एक हो जाती है, फोटोशॉप की फाइल जब सेव होती है तो उसमें सारी लेयर जो है वो अलग अलग रहती है। ठीक है, तो अभी अगर मैं इसको फोटोशॉप में सेव करता हूँ तो फाइल में जाके मैंने इसको दोबारा से सेव पे क्लिक किया फोटोशॉप पीएसडी फाइल लेके और मैंने अपने फोल्डर में ले जाके सेव कर दिया। डॉक्यूमेंट्स में गया और यहाँ से मैं पीएस फाइल्स में गया और यहाँ से मैंने ब्लॉसम्स का फोल्डर ले लिया और यहाँ क्लिक करके मैंने इसको क्लास 04 के नाम से न्यू बैकग्राउंड चेंज गर्ल के नाम से सेव कर दिया और ओके कर दिया। अब दोनों फाइल्स में आपको मेजर डिफरेंस देखने को मिलेगा। अगर मैं इस फाइल को क्लोज कर देता हूँ, इस फाइल को भी कंट्रोल W दबा के क्लोज कर देता हूँ, नो कर देता हूँ सेव करने के लिए, इसको भी मैंने सेव नहीं किया। तो अगर मैं फाइल में जाके ओपन करता हूँ और यहाँ से अपनी जो PSD फाइल है उसको ओपन करता हूँ, तो ओपन करने पे आप देखेंगे कि आपको उसका बैकग्राउंड लेयर और ऑब्जेक्ट का लेयर अलग मिलेगा। मतलब जो भी चीज़ें अलग अलग बनाई होंगी वो सब अलग अलग ही होंगी, बाद में उनमें आप चेंजेस कर सकते हैं। और यहाँ से कंट्रोल ओ करता हूँ और मैं यहाँ डॉक्यूमेंट्स में जाता हूँ और यहाँ से लेटेस्ट के फोल्डर पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं देखता हूँ ये फाइल भी मेरे पास पड़ी है, ये PNG फाइल, उसको क्लिक करके जैसे ही मैं ओपन करूँगा तो ये देखें इसकी तमाम लेयर्स मिलकर एक लेयर बन जाएगी और इस पर फिर से आपको वही मेहनत करके अलग करके फिर इसका बैकग्राउंड वगैरह चेंज करना पड़ेगा। तो ये फाइल पे सेव करने का फर्क होता है। अच्छा, अब यही काम अगर हम फोटोशॉप के नए वर्जन पे करेंगे तो कैसे होगा। सपोज टू बी ये सीरीज 6 है, इसको मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ